फट गया। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। सो गाइज, हम निकल चुके हैं अपने होटल से और जा रहे हैं भाई आशु भाई की बाइक का टायर चेंज कराने, क्योंकि भाई उनका टायर आ चुका था, देख सकते हैं आप, टायर आ गया था उनका रात 10 बजे के करीब। और 10 बजे तो भाई कोई शॉप ओपन नहीं होती यहाँ पे। सो अभी होटल वाले भैया ने बताया कि भाई शॉप ओपन हो गई होगी और उन्होंने बात की है भाई, अब देखते हैं जाते हैं भाई उनसे। हमें तो एड्रेस नहीं पता, बाकी बताया उन्होंने हल्का था हमें कि भाई इधर से उधर से जाना है। तो गाइस देखते हैं जाते हैं भाई वहाँ पे। और आशु भाई और आनंद भाई चल रहे हैं आगे आगे भाई। टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भाई, क्योंकि भाई इससे हमने 170 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है, शायद 200 ही कर दिया है भाई उसी टायर पे। भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी है टायर की, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है टायर। तार ना बिल्कुल मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ उनके, बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत ही दूर से। और भाई अब बर्न आउट मारेंगे आशु भाई, जाके वहाँ पे दिखाएंगे आपको बर्न आउट, चेक कराएंगे आपको, रील्स वगैरह बनाएंगे एक आधी। देख सकते हैं आप, बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है भाई टायर की। और भाई अभी खींच रहे हैं अभी बहुत ही ज़्यादा खींच रहे हैं भाई बाइक। और भाई बिना राइडिंग जैकेट के तो भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। मोहसिन भाई टायर पकड़ के बैठे हैं भाई। और बाकी व्यू चेक कर सकते हैं आप होटल के बराबर का भाई, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। और साउंड चेक करें भाई, अभी तो इसमें डीप किलर लगा हुआ है भाई, बहुत ही अमेजिंग साउंड है बाकी इसकी, बहुत ही प्यारी साउंड है। और भाई बाइक भी बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, मैंने कल चलाई है, पिछले व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको इसका थोड़ा सा क्लिप वगैरह। और भाई अभी चंडीगढ़ नीचे उतर के मैं चलाऊंगा थोड़ा बहुत इसको। सो मिलते हैं आपको डायरेक्टली टायर की शॉप पर। सो फाइनली गाइस, हाँ ब्रेक मार के ना, वेट उठाओ हाँ, उधर ना जान दो, सिद्ध करके रखो ही यहीं। सो फाइनली गाइस आशु भाई मार रहे हैं बर्न आउट और टायर फाड़ेंगे शायद। अभी नहीं फटा, चेक करेगा इस बर्न आउट। वेट उठाओ पीछे करो, हल्की से और पीछे करो, बस फट गया। अरे भयंकर, दिखाना जरा। ओ भाई नंबर प्लेट फाड़ दी यार मेरे पीछे भी लगा निकाल लो भैया, निकाल लो बहुत ज्यादा हो चुकी है भाई, टायर फाड़ दिया भाई बिल्कुल। उसके बाद आपको मिलते हैं। और नहीं निकल जानी ना ना, चाबी सुनी फाइनली टायर हो चुका है सेम, चेक कर सकते हो आप टायर की हालत, देख सकते हो भाई ये पहले वाला टायर है। बंद करो लावा। और भाई बर्न आउट की वीडियो आपको मिलेगी इससे पहले। अंकल मजा आया नहीं बर्न आउट में? मजा आया नहीं? बाइक बढ़िया लगी?
चेक कर सकते हो आप, ईट खड़े हैं बहुत देर से। तुमने लगा देना, तुमने लगा देना मोदी का फोटो ले लेंगे फोटो एक। तो भाई टायर डलवा के चलते हैं अपना होटल से, अपना सामान वगैरह उठा के। अनस को कोई मतलब नहीं है गाइस, बाइक के टायर होने से खराब होने से कोई मतलब नहीं है। वो बैठा है बंदा भाई वहाँ पे, वो अपना बिजली चला रहा है भाई फोन फोन पे। तो फाइनली गाइस बहुत ही काफ़ी मशक्क़तों के बाद टायर लग चुका है भाई, बहुत ही दिक्कत हुई है। और भाई ट्यूबलेस टायर है, ट्यूब डालनी पड़ी है टायर में। और भाई लोग फ़ोटो करा रहे हैं, अब जा रहे हैं अपने रूम पे, सामान वगैरह उठाते हैं और निकलते चंडीगढ़ की। और भाई बहुत ही लेट हो चुके हैं, हम सोच रहे थे कि आधा घंटा लगेगा, नहीं तो यहाँ पे लग गया है भाई, दो घंटे हो गए कम से कम, दो घंटे बाद अब निकल रहे हैं भाई। भाई लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा के। और भाई सामने आप पहाड़ी देख सकते हो, गोप्रो में तो बहुत दूर दिख रही है, बाकी वैसे तो भाई बहुत ही नज़दीक दिख रही है। और भाई अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे, दोनों निकलते हैं गाइस बस यहाँ से और करते हैं अपनी राइड कंटिन्यू। सो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम, थोड़ा सा रह गया है मंडी हमारा। और भाई देखते हैं मंडी कितना टाइम लगता है, वैसे तो थोड़ा ही रह गया है भाई। और भाई आज सुबह थे तो भाई गुंजा रखी है बाइक को, बहुत ही ज़्यादा लाउड हो रही है, बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है भाई। रोड ना बहुत गंदा आ गया है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है रोड, क्योंकि भाई जब हम अभी चल रहे थे बहुत ही फोर लाइन थी, बहुत ही प्यारा रोड था भाई, बहुत ही खींच रखी थी गाड़ियों को। मगर अब तो भाई यहाँ पर 20-30 चलना पड़ रहा है भाई, 20-30 भी हालत हो चुकी है भाई यहाँ पर चलते चलते, जब से यही रोड ख़त्म भी नहीं होने पा रहा, जब से यही चल रहा है। और भाई हिमाचल और पंजाब में तो हर कार में आपको एलॉय मिलेगा, शौक करते हैं भाई हिमाचल और पंजाब में। ठीक है चलो बाइक थोड़ी सी पीछे आ दो भाई, क्या 10R को पीछे कर दे। साउंड देखो भाई कितने बहुत ही प्यारे साउंड आ रहे हैं, चेक करो भाई बर्नआउट मार के, तो बैंकर नंबर प्लेट बिल्कुल बेकार हो गई, नंबर प्लेट और पीछे की लाइट होती है जो डीपर लाइट होती है पीछे की, वो बिल्कुल टूट गई भाई। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और भाई मंडी में तो बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं भाई, देख सकते हैं बाइक वाले को, ये चेक करें गाइस। बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन आ रहे हैं भाई मंडी में, सीधा जाना है शायद। और भाई बारिश आने लगी है, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही है भाई, फिर भी राइड कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि भाई चंडीगढ़ पहुंचना है बहुत ज़रूरी, वहीं जाके स्टे करेंगे भाई। साहिब भाई आ जाएंगे शायद शाम को या सुबह, बारिश और भी तेज आने लगी है भाई। राइडिंग जैकेट पे तो पता नहीं लग रहा, बट पैंट और आशु भाई ने इशारा दिया था रुकने का भाई, मगर रुको मत यार, चलते रहो, क्योंकि भाई ये बारिश तो पहाड़ों की बारिश तो भाई कहीं कहीं पे होती है। तो भाई गोप्रो भी शायद अंदर डालना पड़ेगा। कोई नहीं गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे जाके। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पहुंचकर भाई देख सकते हैं खाना वाना अब खाया है भाई, 6:30 और अपनी बाइक यहां पर लगी हुई है भाई। और भाई अब मानसा वगैरह जाने का तो मुश्किल है, क्योंकि भाई हम निकलेंगे अब घर के लिए, क्योंकि भाई घर से फ़ोन आ रहे हैं भाई कि भाई घर आना है भाई, काफ़ी दिन हो गए निकले हुए यहाँ से। सो इसलिए भाई निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। और भाई अनस भाई को बोल दिया है मैंने कि भाई आशु भाई के साथ जा सकते हो तो तुम मानसा चले जाओ, तो आशु भाई भी बोल रहे हैं कि भाई अगली बार चलेंगे मानसा हम।
सो ये खड़ी है आशु भाई की बाइक, और भाई ट्राई करेंगे इसको चलाने की, अभी आशु भाई से लेंगे चलाने के लिए। और भाई बर्नआउट मारा था तो इसकी लाइट, वो देख सकते हो आप, लाइट और